नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं सूरजपाल सिंह आज बड़ी हिम्मत के साथ जो आपने चैलेंज दिया था वो पूरा करने जा रहा हूँ। मैं बना हूँ आज एक बहुत ही भयंकर चुड़ैल का हस्बैंड, तो ऑल द बेस्ट बोलिए मुझे। और ये मैं उनके लिए आज की सुबह की शुरुआत हो रही है, वो मैडम वैसे खून पीती हैं, ऑब्वियसली चुड़ैल है तो खून पियेंगी, तो उनके लिए उसे मिलता जुलता रूह अफ़ज़ा लेके जा रहा हूँ। तो चलिए, ऑल द बेस्ट मैडम जी, आपके लिए मैं खूब रूह अफ़ज़ा लेके आया। आप पता नहीं, मैं रूह अफ़ज़ा नहीं पी थी, तुम्हें कितने साल हो गए शादी को, तुम्हें पता नहीं है कुछ भी। वो मेरी ड्रिप छड़ी हुई बॉटल ला दे, खून पीते हो ना, खून पीती है ना तुम। नहीं, ये दोनों हमारे बच्चे। ए भगवान, when did I get so old, I got two kids। वो भी ऐसे, हम तुम्हारे पापा से इंस्पायर हो रखे हैं। तुमने हमारे पापा, जैसे तुम्हारे पापा परेशान है वैसे हम परेशान हैं। जैसे तुम्हारी मम्मी ऐसे घुमाती है वैसे हम घूम रहे हैं। हां, तुम्हारी माँ पे गई है बेटी। और तुम किस पे गए हो? है अनु के बीच में, घर में कोई आया है? घर में कोई आया है? मेहमान आए हमारे घर में। चलो चलो साथ में देखेंगे। ओके, रोज़ा पिलाएंगे उनको। रोज़ा 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 काम करने के लिए भैया तो लगा दिया, लेकिन भैया को पोछा करना नहीं सिखा। तुम्हें सिखाया था मैंने पोछा करना, है बोलो। भैया जी, आपकी वजह से मुझे पोछा करना पड़ रहा है। भैया अपन मंदिर चले। मंदिर तो मैं जाया ही। अब जाए अकेले तुम नहीं है मम्मी, आप लेट हो गए। आप लेट उठे थे ना आज, मुझे बोल के कि मैं जिम जा रहा हूँ, उसके बाद में फिर आके मुझे लगा था कि मंदिर भी जाए सब करें। मैं तो इनसे ऐसे पूछ रही थी, मैं तो इनसे ऐसे पूछ रही थी कि आप जिम भी जाए, आप मंदिर भी जाए, और ये उठ के मेरे को बोलते मैं तो नहाया भी नहीं हूँ अभी। फिर इनके सोटे पड़े थे। कोई बात नहीं बेटा, वो पड़ोस वाली आंटी से पूछना कि वो गई नहीं गई, तो मैं चला जा रहा हूँ। मम्मी आप तो जा नहीं रहे किसी के साथ, तो जाऊं तो जोड़े में जाना चाहिए मंदिर, हमेशा जोड़े में जाना चाहिए क्या? इसलिए हाँ, तो तुम जाओ। आप किसके साथ चले गई मम्मी? अम्मी आप पूछ लेते हैं, अंकल से पूछ ले पड़ोस वाले। पापा ने गीला टॉवल रख दिया था। तुमने गीला टॉवल बेड पे रख दिया था? तुम मेरे बच्चे हो, हम मम्मी के बच्चे। ले, वैसे सुनिए, आपको लाल कलर बड़ा पसंद है ना, तो मैं आपके लिए एक और चीज लेके आया हूँ लाल कलर। क्या? ये। ओहो, ये वो पड़ोस वाली ने मना कर दिया लेने से, तो फिर मैंने सोचा आपको दे दूं। मम्मी पापा को पटा रही है। पापा मम्मी को पटा रहे बेटा। ओ जी सुनो जी, खाना तो नहीं बनाया जा आपने, आज मुझे बैठी भी नहीं दी। बैठी आपके लिए, जो आपके लिए बेस्ट था वो मैंने लाके दिया आपको। क्या बेस्ट था वो? रेड कलर का गंदा सा पानी। या व्हाटएवर, मुझे लगा आपको वो ज्यादा पसंद। नहीं, वो मुझे पसंद नहीं। आप खाना बनाओ हमारे लिए। खाना बनाएं? कब से हम बेचारे भूखे बैठे हैं, तो आपको आज लंच पे ले चलें। पापा, हमें हाकन नूडल्स खानी है। मां को बोलो अपनी मम्मी अच्छा नहीं बनाती, आप अच्छा बनाते हो ना। ला, बच्चों ने सच्चाई बोल दी। किसकी सीख में तुम्हारे बच्चे? सीख में क्या, सच्चाई बोल रहे हो? ये मेरे बच्चे नहीं हो सकते। कल ही तो मेरे को फूड पॉइजन हुआ था, जाओ तुम लोग। इसीलिए कह रही हूँ आप खाना बना दो, लंच पे नहीं, पैसे नहीं है मेरे पास में खर्च करने के लिए। क्या तुम्हारे पास भी नहीं है? देखे मैं तुम्हारा पर्स खाली था। मम्मी लंच के नाम पे पताशी वाले के ले जाते हैं पापा। कल हमें लंच के नाम पे पताशी वाले के लिए लेके गए थे ये। एक भी रुपया नहीं है इनके पर्स के अंदर। किसे पकड़ चंदो यार, तुम्हारे परिवार वाले सब ऐसे ही है। सारा तुमने ले लिया तो बचेगा कहाँ से? मैंने क्या ले लिया? पैसा। किस चीज का पैसा? मेरा पैसा जो कमा के लाया था मैं। कहाँ से कमा के लाया? पसीने की कमाई मेरी। पिछले महीने खून तो तुम्हारा पी जाती हूँ। मंगवाया मम्मी ने? हाँ, 15,000 का। तो जरूरत पड़ती है, 15 तो कम है। 15,000 का क्या मंगवाया? मेकअप 30-40 का मंगवाओ, ताकि थोड़ी लगो। लाओ पहले तो तुम मुझे वो 30-40 बोल रहे हो, वो दो लाओ। दो दो तो सही, मैंने तो नहीं नहीं क्यों, नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल, शी इज नेचुरल ब्यूटी। तुम बहुत सुंदर लगती हो। घर में फिर से पानी आ गया। घर का मकान मालिक है ना, तुम्हें और मेरे को घर से निकाल देगा। ये घर अपना है, ये घर को बताना नहीं है कि ये किराए से रह रहे हैं अपन। मेरी वो है, कितनी गरीबी, हम किराए से रह रहे हैं। कहां
कहां से अमीर हो तुम? इतने बड़े फ्लैट में आठवीं मंजिल पे तुम्हारे को ठहरा रखा है और क्या लोगी? किसी और का घर है ये, लैंडलॉर्ड का घर है ये, मकान मालिक का, जो सुबह आके चिल्ला के गया है पैसे नहीं दिए तुमने, अपना घर है ये। मम्मी आपका खाओगी, तुम दोनों तो जूते खाओगे। मैम आप क्या खाएंगे? मैं खाऊंगी जो स्विगी से तुम्हारा ऑर्डर आया था और जो गिर गया ना, जो तुमने वापस मंगाया है, पहले तो उसको कैंसिल करो। तो मैं मेरे हाथ का नहीं खा सकता ना? तुम्हारे हाथ का तो तुम सारा जहर मुझे ही खिला दोगे क्या? हाँ ये भगवान, ये सब मुझे मारना चाहते हैं। तुम लोग सीआईडी देखते हो, क्राइम पेट्रोल देखते हो तुम लोग? पहले से बताओ तो, क्राइम पेट्रोल आप क्राइम पेट्रोल देखते हैं क्या? हाँ तुम्हारे बच्चों के साथ। मैं भी सीआईडी देखती हूँ, मार के दिखाओ मेरे को। अरे सुनिए, कहिए, जरा इधर आइए, जरा हमारे बगल में आइए। क्या दिक्कत है? आपका खाना नहीं बन सकता है। क्यों? घर में राशन ही ना है। तुम घर में राशन क्यों नहीं लाते हो? क्योंकि मैं सोच रहा था कि आपको लंच भी लेके जाऊंगा, लेकिन आप चाहती हो कि घर में बना के खाना खाऊं। लंच में मत लेके चलो, महंगा पड़ जाएगा, तुम्हारे बच्चे ना ठूस ठूस के खाते हैं। अरे कोई नहीं, आप बाप दिला रहे हैं, खाओ। तुम्हारे को तीन तूते को नूडल खाने, तीन प्लेट नूडल पैक कराओ, वो ऑर्डर करो स्विगी से, ऑर्डर करो जोमेटो से, ऑर्डर करो, चलो हाँ जाओ ऑर्डर करो, ऑर्डर करो, ऑर्डर करो, और उबर, एक उबर भी करो और अपनी माँ को भेज दो यहाँ से। पापा लालच दे रहे हैं माँ को भेजने का। वैसे अपनी एनिवर्सरी कब आती है? 20। वो तो एक मिनट, वो तो आपको पता होना चाहिए ना, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? आपको याद नहीं है मतलब एनिवर्सरी है ना? तुम्हें याद नहीं है? मुझे एकदम याद, मुझे अच्छे से याद है, एकदम याद है। हाँ बताओ क्या है, बताओ। मैं बता दूंगा तो तुम पकड़ी जाओगी। तुमने डिसाइड करके मेरे को बताएगी, मैं क्या बताऊँ? हमारे कान में बता दो, दोनों के दोनों, हम दोनों साथ में। ना 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 ना, इसकी गलत होगी, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। इसकी भी गलत होगी? ना ना ना, अरे इनकी उनकी, इनकी भी गलत होगी। हाँ तब नहीं देखे तुम्हें, कैरेक्टर में रहो ना तुम। हाँ ओके, तुम्हारे वो साले और देवर कहाँ है? मतलब मेरे देवर तुम्हारे साले कहाँ है? अभिषेक तुम्हारा साला है ना, वो मेरा भाई है, और हर्ष तुम्हारा भाई है, जैसे वो मेरा भी भाई है, लेकिन तुम्हारा ज्यादा भाई है ना वो, हर्ष मामू। तो वो मेरा हर्ष मामू। इतना बड़ा परिवार है, इतना राशन लाएगा कौन? दूर रहने दो सबको। मेरे परिवार को तुम यही चाहते हो कि मेरे परिवार ना यहाँ से चला जाए, यही तो तुम चाहते हो। मेरे माइक वाले को कोई, हमारी नानी को आप रिस्पेक्ट नहीं, मेरे माइक वाले को तुमने कोई प्यार नहीं किया, कोई रिस्पेक्ट नहीं दी। घर छोड़ के जा रही हूँ मैं, घर छोड़ के जा रही हूँ मेरे बच्चों को लेके। बाय बाय बाय, कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। यही वो दिन थे, यही वो दिन थे जहाँ मैं इसके चंगुल में फंस गया था। चुप हो जाओ, तुमने मुझे फंसाया चंगुल में, समझ तुमने मुझे फंसाया था। सबसे ये क्या बोलते हैं, इनके ऑफिस वगैरह बंद होने बैठ के मेरे सर पे तांडव कर रहे हैं। ओह माय गॉड, ऑफिस होते थे तो मैं वहाँ जाता था, चैन से रहता था, चार पांच। ये फूल क्यों लाया तुम, ये फूल क्यों लाया? ये बोला तो किसी ने लिए नहीं तो देने पड़े। 50 रुपए खर्च हुए इसमें, किसी तो काम आए। शादी के बाद इंसान का ये हाल हो जाता है, कहीं कुछ नहीं चिप रहा तो किसी और को चेप दो। क्या हाल हो जाता है, देखो 3 साल से एक शर्ट पहन के घूम रहा हूँ। मैं भी 3 साल से एक कपड़े पहन के घूम रही हूँ, तुमने दिलाया मुझे नए? वो सूटकेस भरा पड़ा तुम्हारा, जो सूटकेस भरा पड़ा मेरे मायके वालों ने दिए वो कपड़े, तुम्हें क्या पता? दिए मायके वालों ने, समझ में आ रही? और ये शर्ट भी मेरे मायके वाले को उतारो, दहेज में आई थी एक शर्ट है, वो भी ले लो तुम। हाँ आई बहुत कुछ आती, घर में जितना फर्नीचर है ना मैं ही लेकर आई थी, सूट समेत मेरे को वापस देना, फिर चली जाऊंगी अपने घर। दो गाड़ियों में, हाँ दो गाड़ियों में जो भर के लेकर आई ना, वापस देना सूट समेत। प्यार से तो बात करो, मियां बीवी प्यार से भी रहते हैं। प्यार लायक हो तो सही तुम, अरे मतलब हाँ हो, प्यार से सारी वाइफ की ऐसे करते हैं, प्यार से बात करें, प्यार से बात करें। जींस पहन के नहीं, अब कहाँ उम्र रही, बूढ़ी हो गई है। क्या शौक करूँ ऐसे, तुम्हारे पापा ने मेरी जवानी में तो कोई कदर करी नहीं, जवानी तो मेरी खराब हो ही गई, बुढ़ापा भी तुम खराब कर दो, बच्चे मिलके घुमाने लेके जाओ, घुमाने लेके जाओ। मुझे क्या हो गया, मैं घर में मम्मी के साथ रहने के क्या करती? क्या हुआ, जो ये कपड़े हैं दहेज में वो पहन रहे हो ना तुम, तब से पिछले 3 सालों से एक ही कपड़े पहन रहे हो तुम। हाँ तो खुद के लिए खरीदेगा कैसे, पूरा तो तुम्हारा चेहरा खा जाता है। मेरा चेहरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है, नेचुरल ब्यूटी है, तुम बस जलते हो, तुम्हारे सारे घर वाले जलते हैं। 18 लिपस्टिक तो एक बार में लिपस्टिक लगाने को लगती है, रोड से भी बड़ी तो होते हैं तुम्हारे। अरे और तुम्हारे तुम्हारे ना जो क्या नाम से इतने, तुमने मेरा गुलाब तोड़ दिया, गुलाब टूट गया। तुम्हारे जो इतने बड़े बम है ना जिनमें वो पजामे घुसते नहीं है, उनकी बात करो पहले। आए बड़े 18 लिपस्टिक कौन से बा, मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, मैं जिम जाता हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ, 10-10 बजे तक सोता रहता हूँ। चुप रहो, मैं भी जिम जाती थी, अब तुम्हारे घर के कामों में मुझे फुर्सत नहीं मिलती है। तुम भी ऐसे किसी की बर्बाद करना जिंदगी जैसे मेरी हो रही है, जाओ सीखो, ये बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। तुम्हारे इंस्पायर हो रहे हो, देखो डंडिया खा रहे हो तुम। पहले मुझे इस बात का जवाब दो, नई गाड़ी जो तुम लेकर आए हो ना मेरे मायके के पैसों से, उसमें मुझे कब बिठाओगे पहले ये बताओ।
तुम्हें ना बार बार तुम दोनों भाई निकल जाते हो। तुम्हारे जो मायके के पैसा चाहिए तो तुम क्यों हक नहीं जमा रही उस पे? तुमने मुझे गाड़ी चलानी सीखी कितनी थी पहले तो मुझे बताओ। तो तुम्हारे बस की है ही नहीं। सब है मेरी बस की। एक पतली सी स्कूटी पे घूमते रहते थे मेरे घर वालों ने किया दिए तुम्हें। तुम्हारे घर वालों ने दे दिया और क्या, उसके लिए तो मैंने नहीं चाहिए कि भाई मेरे पति देव चला ले, उनकी थोड़ी इज्जत बन जाए। लेकिन नहीं, अब मुझे समझ आया कि इतना सब कुछ क्यों दिया है, ताकि तुम्हें या मैं संभाल सकूं। लालच में दे दिया इतना सब कुछ कि तुम्हारे को ले आऊं मैं यहाँ पर, इसलिए नहीं दिया। वो उनको बोलो वापस ले जाओ सब कुछ, सब कुछ ठीक है। तो तुम एक काम करो, ये पूरे घर में, ये घर भी मेरा ही, चीजें मेरी, तुम बाहर निकल जाओ। इसके अलावा सब कुछ मेरा है। ये आप आंटी जी से स्वीटहार्ट कैसे बन गए? मैं तो पहले से हाय ब्यूटीफुल, मैं बड़े दिनों से सोच रहा था तुझे हाय ब्यूटीफुल। हाय चाचा, सॉरी आप बोलना भूल गए। आपको आपको आप हाय देवर जी, कहां से तू? नमस्ते देखते ही रहे। चुप रहो, कभी कभी तो आप सुंदर रुको 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 कैरेक्टर में आन दो, शर्म आती है, घर वालों सामने चल जाओ यहाँ से। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मैंने जब तो तेरे लिए चाट पापड़ी बनाई है। तुमने सारी तमीज खोई तुमने। तो हम जा रहे हैं अभी किसी काम से, आप अपना ध्यान रखिएगा। ओके चलो, किसी बहाने घर से बाहर तो गए, नहीं तो सारे टाइम लॉकडाउन में घर में पड़े रहते थे। हमरे ऊ चले गए, हमें उनकी याद आ रही है। ऊ जल्दी आ जाओगे। पापा आ गए, आप थक गए होंगे ना काम करके, लो खाना खा लो। मैंने दाल चावल बनाए हैं, वो एक अलग बात है, मम्मी ने भेजे मैंने दाल चावल। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। टेस्टी है, मैं खा लेती हूं। वाओ यार, ये तो उसी रेस्टोरेंट की ना, पंजाबी ढाबे। घर से बन के आई है मम्मी पापा। पापा घर से बन के आई, तूने नहीं बनाई? सॉरी आपने नहीं बनाई, मेरी माँ ने बना के भेजी है दाल, समझ आ रही तुम्हें? तुमसे तो बनी नहीं, तुम्हारी माँ ही बना बना के, फिर मैं तो टंडे बना के भेजती तुम्हारी माँ तो। कुछ नहीं, दाल बना के भेजी ना, नहीं खानी तो छोड़ दो, मेरे को वापस दे दो। क्या सर पे खड़े होगी, खा लूं? खा ले। एक तो थक हार के आया हूँ, काम करके आया हूँ। काम करके आया हूँ? आपको किसने काम पे रख लिया, तुम जैसे निकम्मे को? वो भगवान, अगर इसमें कुछ मिला करा के खिला रही हो तो गायब कर देना। बस तुम यही समझो। नजर लगाएंगे क्या? टेस्ट करके बताओ कैसे। टेस्ट करके तुम्हें क्यों बताऊंगा, मेरी मम्मी को फोन कर, लगाओ उनको बता दूंगा कैसे। ये समझ लो मैंने बनाई, मेरी मम्मी ने बनाई, मेरी एक ही बात है। ठीक ठाक है। यहाँ से बैठ के साथ में खाना एंडिंग तो हैप्पी कर रहे हैं अपन एकदम। अच्छा ठीक है, मैं बैठ जाती हूं। एकदम से दोनों का प्यार जग गया। घर में ना चम्मच खत्म हो गई है, मतलब तुमने फेंक दी आधी, तो तुमने चम्मच घुमा दी आधी टूट गई। मैंने क्या बोला था, अपन प्यार से एंडिंग करते हैं। तो प्यार से ही तो कर रही हूं ना। तुम एक काम करो, मैं ऐसे हो जाता हूं, दुख मार लो दो। पहले मैं हैप्पी एंडिंग। यस, पहले मैं टेस्ट तो कर लूं। बहुत टेस्टी दाल है यार। पापा इंतजार कर रहे हैं चम्मच का। हो गया बस 24 आवर्स खत्म, मुंह मतलब फालतू का मेरे हो गया खत्म। वाह यार, ये तो मजेदार था बड़ा। मजा खूब आया। मुझे आज मैं मम्मी बनी थी तो मैं तो भयंकर ही कैरेक्टर में थी। मैं तो बिल्कुल अंकल जैसा था, बिल्कुल सीधा सा था बेचारा, कुछ बोल नहीं पाए। मम्मी क्या बोल रहा, डैडी सीधे और आप चंटो। सही बात है, तो सब पब्लिक को पता है, पूछ लो है ना गाइस, कमेंट में बता दो। मम्मी चंडी हो, पापा गए, मम्मी को बदले देते हैं। हमारा ये चैलेंज आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। रिलेटेबल लगा या नहीं? हां रिलेटेबल, क्योंकि मुझे पता है काफी रिलेटेबल था। और ये प्यार वाले दिन गया या लड़ाई वाला गया, ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। और नेक्स्ट चैलेंज आपको क्या चाहिए वो भी कमेंट करके आप बता दीजिएगा। yes. हम हर वीक में एक चैलेंज बनाएंगे बनाएंगे, और कभी कभी हो सकता है थोड़ा बहुत लेट हो जाए, किसी वर्क की वजह से हो सकता है हम नहीं बना पाए। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं गाइस। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं, बाय बाय।